नमस्कार दोस्तों आप सबका एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स लेक्चर सीरीज़ में बहुत स्वागत है दोस्तों इस वीडियो से हम फुल वेव रेक्टिफायर्स स्टार्ट करेंगे तो दोस्तों फुल वेव रेक्टिफायर्स आपके दो टाइप्स के होते हैं एक होता है आपका सेंटर टैप रेक्टिफायर और दूसरा होता है आपका ब्रिज रेक्टिफायर लेकिन दोस्तों फुल वेव रेक्टिफायर्स को स्टार्ट करने से पहले जो बेसिक नॉलेज की रिक्वायरमेंट रहती है पहले वो टॉपिक मैं कवर करूँगा तो दोस्तों यहाँ देखते हैं ये आपका ट्रांसफॉर्मर है ये प्राइमरी वाइंडिंग एन वन नंबर ऑफ टनस के साथ ये आपकी सेकेंडरी वाइंडिंग्स एन टू नंबर ऑफ टनस के साथ दोस्तों यहाँ पे जो v1 या v इनपुट है ये इनपुट वोल्टेज अवेलेबल है ट्रांसफार्मर के प्राइमरी वाइंडिंग्स में और दोस्तों सेकेंडरी वाइंडिंग से हम आउटपुट वोल्टेज लेते हैं उसको मैं V2 कहता हूँ तो जब मैं वोल्टेज इक्वेशंस लगाता हूँ ट्रांसफॉर्मर की तो वो रिलेशन होता है इनपुट वोल्टेज डिवाइडेड बाय आउटपुट वोल्टेज इज इक्वल टू इनपुट वाइंडिंग नंबर ऑफ टर्न्स डिवाइडेड बाय आउटपुट वाइंडिंग नंबर ऑफ टर्न्स इस तरीके से जो आपकी आउटपुट वोल्टेज है वो बनेगी आपकी एन टू डिवाइड बाई एन वन इन टू वी वन लेकिन दोस्तों अगर मैं सेकेंडरी वाइंडिंग्स को जस्ट सेंटर से ग्राउंड कनेक्ट कर दूँ तो हमारी सेकेंडरी वाइंडिंग दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी एक पार्ट होगा अपर पार्ट और दूसरा पार्ट होगा लोअर पार्ट यानी अब ये वी इनपुट वोल्टेज प्राइमरी वाइंडिंग्स पे अवेलेबल है लेकिन ट्रांसफॉर्मर की जो सेकेंडरी वाइंडिंग्स है वो अब बिकॉज ऑफ दिस सेंटर टिपिंग यानी बिल्कुल सेंटर में हमने ग्राउंड कनेक्ट किया है इसकी वजह से सेकेंडरी वाइंडिंग्स में अब दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगी यहाँ पे अब दो वोल्टेजेस अपीयर होंगी और दोनों वोल्टेज हर इंडिविजुअल पार्ट्स में बिल्कुल इक्वल एम्पलीट्यूड्स के साथ होंगी मान लीजिए पहले यहाँ पे V2 वोल्टेज था लेकिन अगर मैं इसको सेंटरली ग्राउंड कर देता हूँ तो यहाँ पे V2 टू डिवाइड बाई टू फर्स्ट हाफ में वोल्टेज होगा और V2 टू डिवाइड बाई टू सेकेंड हाफ में वोल्टेज अवेलेबल होगा यानी जो वोल्टेज सेकेंडरी वाइंडिंग्स पे फर्स्ट केस में अवेलेबल था अब वही वोल्टेज एग्जैक्टली हाफ ऑफ वोल्टेज में डिवाइड हो जाता है तो दोस्तों ये कुछ बेसिक्स है जो आपको सेंटर टैप रेक्टिफायर्स को समझने के लिए बहुत यूजफुल है और सेकंड ये है दोस्तों कि जब भी आपका डायोड का जो एनोड है ये आपका एनोड है जिसको मैं पी टाइप कहता हूँ और ये आपका कैथोड है जिसको हम एन टाइप कहते हैं दोस्तों डायोड आपका पी एन जंक्शन ही होता है अगर आपका एनोड पॉजिटिव पोटेंशियल से कनेक्ट है और अगर आपका कैथोड नेगेटिव से कनेक्ट है तो दोस्तों आपका डायोड फॉरवर्ड बायस हो जाता है यानी उस डायोड से करंट फ्लो स्टार्ट हो जाता है या आप ये भी कह सकते हैं कि डायोड का जो एनोड वोल्टेज है वो हमेशा कैथोड वोल्टेज से ज़्यादा होना चाहिए तभी आपका डायोड फॉरवर्ड बायस में होगा लेकिन दोस्तों अगर यहाँ डायोड का एनोड वोल्टेज कैथोड वोल्टेज से कम हो जाता है तो उस केस में आपका जो डायोड है वो रिवर्स बायस हो जाता है और रिवर्स बायस होने से आपके डायोड से कोई भी करंट फ्लो नहीं करता है तो दोस्तों ये जो दो बेसिक पॉइंट्स हैं इन्हीं पॉइंट्स के साथ अब हम सेंटर टैप रेक्टिफायर्स को समझते हैं दोस्तों ये हमारा वी इनपुट वोल्टेज है यहाँ पे जो नंबर ऑफ टर्न्स हैं वो वन हैं और जो सेकेंडरी वोल्टेज है उसके नंबर ऑफ टर्न सेकेंडरी जो आपकी वाइंडिंग्स है उसके नंबर ऑफ टर्न्स टू हैं इसका मतलब जो सेकेंडरी वाइंडिंग्स पे वोल्टेज अवेलेबल होगा वो ट्वाइस ऑफ वी इन होगा बट दोस्तों यहाँ पे मैंने बताया था कि जो सेकेंडरी वाइंडिंग है जस्ट उसके जो सेंटर पॉइंट पे हम ग्राउंड कनेक्ट कर देते हैं यानी टू टाइम्स ऑफ वी इन अब दो हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा एग्जैक्टली exactly हाफ जो अपर पार्ट है उसमें वी इन अवेलेबल होगा और जो लोअर पार्ट है उसमें भी वी इन अवेलेबल होगा अब ये आपकी इनपुट वेवफॉर्म्स हैं जीरो टू पाई आपका साइकिल्स पॉजिटिव है पाई टू टू पाई आपका साइकिल नेगेटिवली अवेलेबल है दोस्तों इसमें इस पॉइंट इस पे मैं डायोड कनेक्ट करता हूँ डी वन और दोस्तों जो सेकेंडरी वाइंडिंग्स का लास्टिंग पॉइंट है यहाँ पे मैं डी टू डायोड कनेक्ट कर देता हूँ और दोस्तों इन दोनों डायोड से मैं आपका जो लोड रजिस्टेंस है वो कनेक्ट करूँगा और वो आपका सेकेंडरी वाइंडिंग्स के सेंटर ऑफ पोजिशन से कनेक्ट होगा जो कि ग्राउंडेड हो चुका है तो दोस्तों ये सर्किट आपका सेंटर टैप्ड फुल वेव रेक्टिफायर्स का सर्किट है अब ये काम कैसे करता है वो एक्सप्लेन करेंगे दोस्तों सबसे पहले मैं कंसिडर करता हूँ कि मान लीजिए मेरा साइकिल पॉजिटिव है अगर दोस्तों मेरा पॉजिटिव साइकिल है यानी जीरो टू पाई का केस मैं कंसिडर करूँ तो यहाँ पे डेफिनेटली पॉजिटिव पोलैरिटी होगी और यहाँ पे आपकी नेगेटिव पोलैरिटी होगी सिमिलरली जो सेकेंडरी वाइंडिंग का सेकेंड पार्ट है यहाँ भी आपकी पॉजिटिव पोलैरिटी होगी और यहाँ आपकी नेगेटिव पोलैरिटी होगी तो इसका मतलब दोस्तों पॉजिटिव पोलैरिटी डी वन डायोड के एनोड पे अवेलेबल है इसका मतलब जो डी वन डायोड है ये आपका फॉरवर्ड बायस होगा और जब ये फॉरवर्ड बायस होगा अगर ये डायोड आइडियल है तो ये शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस हो जाएगा और अगर ये डायोड आपका प्रैक्टिकल है तो इसका कुछ फॉरवर्ड रेजिस्टेंस होगा जिसके साथ ये डायोड रिप्लेस हो सकता है तो दोस्तों इस केस में यहाँ पे नेगेटिव अवेलेबल होगा तो जो आपका डी टू है ये आपका ऑफ होगा क्योंकि ये आपका रिवर्स बायस होगा यानी यहाँ से अब की बार कोई करंट फ्लो नहीं करेगा करंट की जो डायरेक्शन होगी वो आपकी कुछ ऐसी होगी डी वन डायरेक्शन से होता हुआ इस लोड रेजिस्टेंस से होता हुआ यहाँ ग्राउंड में चला जाएगा राइट right. अब क्वेश्चन ये है दोस्तों कि ये जो करंट है आपका इसकी वैल्यू क्या होगी करंट होता है दोस्तों टोटल वोल्टेज इन दिस सर्किट डिवाइडेड बाई द टोटल रजिस्टेंस अगर ये डायोड आपका प्रैक्टिकल है तो डायोड का रजिस्टेंस आर होगा ये आपका आर रेजिस्टेंस है फॉरवर्ड रेजिस्टेंस और दोस्तों जो आपका आई नोट होगा उसकी वैल्यू क्या होगी वी इन डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस इन दिस पाथ यहाँ पे डी वन आपका रिप्लेस होगा आर एफ से वो आर एफ आर एल के साथ सीरीज़ में कनेक्ट है तो ये बनेगा आर एफ डिवाइडेड बाई आर एल ये होगा और v इन क्या है दोस्तों v इन को हमने साइनोसोडल वेवफॉर्म से रिप्रेजेंट किया है तो इसका मतलब हम लिख सकते हैं वी एम साइन ऑफ थीटा डिवाइडेड बाई आर एफ प्लस आर एल ये आपका आई नोट करंट होगा जब आपकी पॉजिटिव साइकिल्स होगी अगर दोस्तों आपको कोई आउटपुट वोल्टेज फाइंड आउट करने को कहे तो आउटपुट वोल्टेज होता है दोस्तों यहाँ पे जो वोल्टेज होगा जितना भी करंट आपका लोड रजिस्टेंस से पास होगा वो करंट मल्टीप्लाई विद लोड रजिस्टेंस आपका आउटपुट वोल्टेज होगा अगर आपका डायोड आइडियल डायोड है तो ये शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस होगा इसका मतलब जितना वी इन वोल्टेज है उतना ही वोल्टेज यहाँ लोड पे हमें मिल जाएगा तो जो वी नोट होगा वो आपका वी इन ही होगा लेकिन अगर मैं डायोड को प्रैक्टिकल केस कंस, कंसिडर करूँ तो दोस्तों वी इन माइनस वी कट इन ये आपका आउटपुट वोल्टेज यहाँ पे अवेलेबल होगा क्योंकि अगर डायोड आपका प्रैक्टिकल है तो डेफिनेटली हर डायोड का अपना वी कट इन वोल्टेज होगा सिलिकॉन का डायोड होता तो ये पॉइंट सेवन वोल्ट होगा जर्मेनियम का डायोड है तो दोस्तों ये पॉइंट टू वोल्ट होगा तो वी इन से उतना ही पोटेंशियल बैरियर सब्ट्रैक्ट होगा बाकी बचा पोटेंशियल ड्रॉप आपका आउटपुट पे अवेलेबल होगा अब दोस्तों जो नेगेटिव आपका साइकिल है उसको कंसिडर करते हैं जब दोस्तों आपका नेगेटिव साइकिल होगा तो यहाँ पे नेगेटिव अवेलेबल होगा और यहाँ दोस्तों पॉजिटिव होगा सिमिलरली यहाँ नेगेटिव होगा और अब यहाँ पे पॉजिटिव होगा जब दोस्तों D2 के एनोड पॉइंट पे पॉजिटिव पोटेंशियल आ जाएगा तो अब आपका D2 जो होगा वो फॉरवर्ड बायस होगा लेकिन D1 पे पर यहाँ नेगेटिव पोटेंशियल आया तो D1 आपका रिवर्स बाइस्ड होगा तो जब नेगेटिव साइकिल होता है तो डी आपका फॉरवर्ड बायस होगा और दोस्तों डी वन आपका रिवर्स बायस होगा तो इस केस से जो आई नोट करंट होगा अब वो क्या होगा आई नोट करंट वो करंट है जो लोड से फ्लो होता है तो ये आपका पॉजिटिव है यानी ये डायोड आपका अब ऑन होगा तो करंट की डायरेक्शन यहाँ से होता हुआ और इस लोड रेजिस्टेंस से होता हुआ ग्राउंड तक चला जाएगा आपने देखा कि चाहे आपकी पॉजिटिव साइकिल हो या आपकी नेगेटिव साइकिल हो लोड पे हमेशा करंट आपका सेम डायरेक्शन में रहेगा यानी जो आपका आई नोट करंट है दोनों डायोड्स अगर आपके सेम कॉन्फ़िगरेशंस के हैं तो ये आपका बनेगा वी इन डिवाइडेड बाई आर एफ प्लस आर एल आर एफ मैंने इसलिए लिखा क्योंकि अगर आपका डायोड प्रैक्टिकल है तो इस डायोड को आप फॉरवर्ड रजिस्टेंस के साथ रिप्लेस करोगे वो फॉरवर्ड रजिस्टेंस लोड रजिस्टेंस के साथ सीरीज़ में कनेक्ट होगा तो दोस्तों v इनको मैं इस वेब फॉर्म से रिप्रेजेंट करता हूं और इस वेब फॉर्म्स की इक्वेशन हम लिख सकते हैं वी एम साइन ऑफ थीटा डिवाइडेड बाई आर एफ प्लस आर एल सिमिलरली दोस्तों अगर आपको आउटपुट वोल्टेज फाइंड आउट करनी हो अगर आपका डायोड आइडियल है तो यहाँ पे कोई भी ड्रॉप नहीं होगा ये शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस होगा यानी जितना यहाँ पे इनपुट वोल्टेज अवेलेबल है ठीक उतना ही वोल्टेज आपका लोड के अक्रॉस मिल जाएगा यानी वी नोट वुड बी इक्वल टू वी इन और अगर आप डायोड को प्रैक्टिकल कंसिडर करते हो तो आपका जो वी नोट है वो हमेशा होगा वी इन माइनस वी कट इन तो ये है दोस्तों आपका अगर आप पॉजिटिव साइकिल्स अप्लाई करते हैं तब भी आपको आउटपुट मिलता है वाया डी वन लेकिन जब आप नेगेटिव साइकिल्स अप्लाई करते हैं तब भी आपको आउटपुट मिलता है वाया डी टू तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि जो सेंटर टेप फुल वेव रेक्टिफायर है अगर वो पॉजिटिव साइकिल्स की बात करें तो यहाँ पे बिल्कुल हाफ वेव रेक्टिफायर्स की तरह काम करेगा और अगर नेगेटिव साइकिल्स की बात करें तब भी ये आपका हाफ़ वेव रेक्टिफायर्स की तरह काम करेगा तो जो आपका फुल वेव रेक्टिफायर है दोस्तों इनफैक्ट वो आपका दो हाफ वेव रेक्टिफायर्स ही हैं जो आपके पॉजिटिव साइकिल्स को भी रिस्पोंड करते हैं और आपके नेगेटिव साइकिल्स को भी रेस्पॉन्ड करते हैं अब दोस्तों ये आपकी इनपुट वेव फॉर्म्स है इस इनपुट वेव फॉर्म्स में जब मैं पॉजिटिव वेव फॉर्म्स की बात करता हूँ तो पॉजिटिव के अक्रॉस हमें आउटपुट मिलता है वी इन और करंट भी हमारा फाइनाइट है दैट इज वी इन और दोस्तों जब मैं नेगेटिव इनपुट अप्लाई करता हूँ नेगेटिव साइकिल्स तो उसके कोरोस्पॉन्डिंग भी हमारी आउटपुट वी इन रहती है दैट इज़ वी इन और पॉजिटिव में भी वी इन रहती है तो दोस्तों अब बात यह है कि इसको हम फुल वेव रेक्टिफायर क्यों कहते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर में वो सिर्फ हाफ वेव ऑफ इनपुट्स को ही रिस्पोंड करता था लेकिन फुल वेव रेक्टिफायर इनपुट वोल्टेज की पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों साइकिल्स को रिस्पोंड करता है दोनों साइकिल्स पे आपकी आउटपुट अवेलेबल रहती हैं दिस इज़ द रीज़न वी आर कॉलिंग इट फुल वेव रेक्टिफायर अब दोस्तों फ्रीक्वेंसी की बात कर लेते हैं इनपुट पे जो सेकेंडरी वाइंडिंग्स पे इनपुट अवेलेबल था मान लीजिए उसकी फ्रीक्वेंसी एफ इन है तो जो आउटपुट वोल्टेज आपको लोड के अक्रॉस मिलेगी उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी ये दोस्तों फ्रीक्वेंसी होती है नंबर ऑफ साइकिल्स आपका कितने टाइम में रिपीट होता है यहाँ ज़ीरो टू पाई फिर पाई से टू पाई टू पाई से थ्री पाई यानी हर पाई पे एक साइकिल आपकी रिपीट हो रही है लेकिन यहाँ पे ये पाई है और ये आपका टू पाई है आफ्टर टू पाई ही आपकी साइकिल्स रिपीट होती है इट मीन्स जो आपकी आउटपुट वोल्टेज है दोस्तों उसकी फ्रीक्वेंसी आपकी डबल हो चुकी है तो ये है दोस्तों आपका सेंटर टैप फुल वेव रेक्टिफायर नेक्स्ट वीडियो में हम इस कंसर्न रेक्टिफायर से जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स होंगे उन सभी को वन बाय वन डिस्कस करेंगे थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो